गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए गोल गोल प्यारे प्यारे बिल्कुल खेत के ताजे ताजे बैंगन। देखिए तो प्यारे प्यारे है ना बैंगन। इसका मैं बनाऊंगी आज ग्रेवी वाली सब्जी। आप उसको मतलब मैं देखिए यहाँ मैंने कुछ बैंगन को काट रखे हैं। इसको देखिए मैं कैसे काट, इसको पानी मैंने डिप कर लिया। इसको साइड साइड से इसकी डंडी को काट देना है, साइड साइड से चारों तरफ से, और उसके बाद इसको बीच से चेक कर लेना है ताकि इसमें कीड़े उड़े ना हो। ऐसे मैं इसको चार चीरे लगा चुकी हूँ और मैं इसको बिल्कुल ऐसी गोल गोल मतलब ग्रेवी में बनाऊंगी। इसको मैंने पानी डाल के रख दिया, मैं इसे अच्छे से तल लूंगी। गोल्डन गोल्डन कलर आ रहे हैं तो ये हाफ फ्राई हो जाएगा। तो ग्रेवी में ये जब जाएगा तो फिर जल्दी पकने में टाइम नहीं लगेगा और फिर अंदर से सॉफ्ट ही जब ये हाफ मतलब आधा तो पक ही जाता है चलने से। तो मैं ऐसे ग्रेवी में डाल दूँगी और फिर मैं हल्का उस टाइम में बनाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे मसाले निकाल लिए हैं। मेथी दाना इसका फ़ौरन लगेगा, मिर्च का, और इधर लहसुन अदरक है मैंने इसको काट के रख लिया है। काली मिर्च, जीरा, ये दोनों को पीस के पेस्ट जाएगा। फिर ये गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, पानी भी डाल सकते हैं। आपको लगे कि आपका मसाला जल रहा है आप पानी भी डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे मसाले लगभग भून चुके हैं। आप देख सकते हैं साइड साइड में इसने तेल छोड़ दिया है। भरवा बैगन मसाले में दही भी डाल सकते हैं। जब मसाला भून जाए तो फेंट के दही को अच्छे से डाल सकते हैं। और अभी सब कुछ जुकाम वगैरह है इसलिए मैं आज दही इग्नोर कर रही हूँ। मैं डालूंगी इसमें धनिया की पत्ती, धनिया की पत्ती अच्छे से रोटी के साथ भी अच्छा रहेगा और चावल डाल के साथ। मैं इसमें हल्का सा पानी डाल के ये थोड़ा और अच्छे से सेक लिया और मसाला अच्छे से डाले में चला गया। कुछ अलग हो मन बैंगन की सब्जी खाते खाते बोर हो तो इंटरेस्ट बनाइए, वाकई में बहुत टेस्टी लगता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पानी डाल दिया है इसमें, उसके बाद लहसुन हो गई है। मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये इसका टेस्ट और भी अच्छा होगा। तो हल्की आंच पे, ज़्यादा नहीं, बस पानी इसमें डाल पता गर्मा गर्म बैंगन का सब्जी, गोल वाले बैंगन के इस तरह से तैयार। तो सॉफ्ट हो जाए और इसे तो सॉफ्ट हो गई है जब मैंने